लाजवंती बहुत ही सुंदर पौधा है और इसके जो बीज हैं, बीज भी हमने प्रयोग किया है जिन मेरी माताओं और बहनों को गर्भाशय के जो विकार हैं, गर्भाशय के दोष हैं, उसमें 1 ग्राम बीज यदि कुछ दिन सेवन करें तो वह ठीक हो जाते हैं। हालांकि इसके बहुत दिन सेवन करने से लोग गर्भ रोकने के लिए इसका विधान लोगों ने हमारे शास्त्रों में किया है, परंतु उस विषय में अभी हमने बहुत प्रयोग नहीं किया है, तो उस विषय में हम प्रयोग करने के बाद फिर आपको और भी ढेर सारी जानकारियां आपको देंगे। तो अभी के लिए कि जो प्रयोग हमने किया है उन प्रयोगों को आप सीख लें और उनको आप जानें, ये बहुत ज़रूरी है। और जिनके अंडकोश पुरुषों का, जैसे कि अभी मैंने कहा कि महिलाओं को जैसे योनि भ्रंश में यह पौधा बहुत ही काम करता है, इसी तरह से जिन मेरे भाइयों को और जिन बुजुर्गों को या जितने भी जो पुरुष वर्ग हैं उनका जैसे हाइड्रोसिल की बीमारी है, हर्निया में नहीं हाइड्रोसिल में, या उनके अंडकोशों में पोतों में सूजन है, कभी कभी बच्चों को भी ये परेशानी हो जाती है, उस स्थिति में 2 तरह से, एक तो इनके पत्तों को उबाल करके अंडकोश की धीरे धीरे सिकाई करें, थोड़े से कम गर्म पानी से सिकाई करें, या इन पत्तियों को पीस करके अंडकोश पर लेप करें, तो इससे जो बड़े हुए अंडकोश हैं, सूजे हुए अंडकोश हैं, आप देखेंगे इस लाजवंती के पत्तों के पानी से धोने से और उसको लेप करने से धीरे धीरे उसकी जो सूजन है वह कम हो जाएगी। जिनको कहीं सूजन है, सूजन से तात्पर्य कहीं गांठ है, कहीं नासूर है, कहीं इस तरह की गांठें बनी हुई है, उस स्थिति में भी इसकी पत्तों को पीस करके यदि आप लगाते हैं तो उसमें पूरा मिलता है आपको लाभ। यह एक कटीली परंतु बहुत ही सुंदर, बहुत ही संवेदनशील यह पौधा, यह लाजवंती, यह छुईमुई आपको विविध रोगों से कर सकती है मुक्त।